सुन गया सबको, नकुआ मर गया। भाई सरकार, समय तो दीजिए। नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों का स्थान और गणित लगाकर शुभ घड़ी निकाली जाती है। घोड़े और पालकी भेजकर तुम्हें जो दूर दूर से यहाँ बुलाया गया है, ये जो दान दक्षिणा वस्त्र और आभूषणों के थाल रखे हैं, किस लिए रखे हैं? इन्हें अब किस लिए बुलाया गया है, बताया नहीं? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। पहले इन्हें अलग अलग तिथियां और घड़ी तो निकाल लेने दो। क्यों? तिथियों के करौंदों और फूलों से मेरी वेणी बनानी है? राज्याभिषेक रुकवाना है तो साफ साफ कह दो। ऐसे नहीं रुकवाया जा सकता, दरबार के भी पंडित हैं। और वो जो है ना नाना, नाना जनार्दन, अरे उसने तो बनारस से पंडित बुलवाए हैं। पूरा शास्त्रार्थ होगा कि नया पेशवा गद्दी पर कब बैठे और कब नहीं। भाई भाई, बनारस के पंडितों से पूछा जाएगा? यहाँ हमारे महाराष्ट्र के पंडित मर गए? नहीं नहीं मरे, इसलिए तो महाराष्ट्र की जगह जगह से इन पंडितों को बुलवाया है मैंने, ताकि ये दरबार में कह सकें कि इन महाराष्ट्र के पंडितों के हिसाब से शुभ घड़ी ये है। शुभ नहीं, अशुभ। ऐसी अशुभ घड़ी निकाले कि ये मोटी मोटी चोटियां जो तुमने बढ़ा कर रखी है, जब शादी ब्याह कराते हो तो किसी के पत्र किसी से मिला देते हो, तो ऐसी घड़ी निकालो कि शुभ भी हो और शुभ न भी हो। और ऐसी नहीं कि अगले महीने निकाल कर रख दो, डुबो दो किसी नक्षत्र को और लाकर खड़ा कर दो किसी ग्रह को किसी दूसरे ग्रह के सामने, कि 6 महीने तक गद्दी पर न बैठ सके। उनके पंडित भी होंगे भाई सरकार, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? भिजवा दो इन थालों को अंदर और जाने दो इन्हें खाली हाथ अपनी पंडितानियों के पास। टट्टू ऊपर नहीं, पैदल। देखिए, 16 साल के हैं माधव राव, पानीपत में आधी ताकत खत्म हो गई, इतना बड़ा राज्य है और उधर निजाम अपना सर उठा रहा है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नया पेशवा उस वक्त गद्दी पर बैठे जब राज्य स्थिर हो जाए। बस इन दो बातों को ध्यान में रखिए और उनकी निकाली हुई हर तारीख का विरोध कीजिए। और रही बात आपके मंदिरों की, जितना कहेंगे उतना धन, उतनी जमीन मिल जाएगी, समझे? जी श्रीमान। तो जल्दी से निकालिए, इसे टालिए जितना हो सके।